हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें हम डायरेक्ट टैक्सेशन और इंटरनेशनल टैक्सेशन सीखेंगे। फाइनल का ये सब्जेक्ट है फॉर मई एंड नवंबर 2021, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट 2020। और हम ये भंवर बुराना सर की बुक से कर रहे हैं, तो इसमें मैं बेसिकली आपको सब कुछ बताऊँगा जो आपको सीखना चाहिए। ये वीडियो आईपीसीसी के लिए भी अवेलेबल है, फाइनल के लिए भी अवेलेबल है। आईपीसीसी के लिए जो अवेलेबल नहीं है वो है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन, और आईपीसीसी के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं और अपने टॉपिक्स को अपनी बुक से कवर कर सकते हैं। लेकिन फाइनल के लिए ये टॉपिक फुल फ्लैच कवरेज है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, अगर फाइनल की न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस, तो ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फाइनल का, तो मैं फाइनल के बारे में आपको इसमें बता दूँ। जब हम डायरेक्ट टैक्सेशन का हम पेपर दे रहे हैं, पेपर नंबर 7 इसका नाम है, इसमें हम 30 मार्क्स के हमारे इसमें आते हैं MCQ, और 70 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसके अंदर हमारे 6 क्वेश्चन होते हैं। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हमारा कंपलसरी होता है, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमेशा डायरेक्ट टैक्सेशन से आपका आता है। और डायरेक्ट टैक्सेशन में से इसमें आपसे पूछा जाता है टोटल इनकम का क्वेश्चन, जो आपके आईपीसीसी में भी आता था। इसके अलावा आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 2 से लेकर अगर मैं बोलूँ 6 क्वेश्चन तक जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर में, जिसमें से डीटी का पार्ट रहता है 8 मार्क्स का, और इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट होता है 6 मार्क्स का। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो 6 × 4 = 24 मार्क्स, और 6 मार्क्स इन MCQ। तो इस तरह आपकी फाइनल के पेपर की ये आपका रंग रूप है कि इस फॉर्मेट में आपका फाइनल का पेपर आता है। जहाँ तक मैं IPCC की बात करूँ, तो उनका पेपर फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। अब मैं बात आता हूँ, इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या कवर करवाने वाला हूँ। तो हम लोग इसमें फाइनल की अगर हम बात करें, तो फाइनल में हम डायरेक्ट टैक्सेशन में 2 चीज़ों की कवरेज करते हैं। एक तो है डायरेक्ट टैक्सेशन खुद, जो कि हमारा 70 मार्क्स का आता है, एंड दूसरा है हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो हमारा आता है 30 मार्क्स का। हमारा आईपीसीसी के लिए बस इतना ही पोर्शन था जो हमने आईपीसीसी में पढ़ा था, लेकिन फाइनल के लिए हमारा 70 + 30 इट्स 100 मार्क्स का पेपर होता है, थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं इसकी वेटेज वाइज बात करूं, तो ग्रुप 2 में टैक्सेशन हमारा है एक तरफ DT एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, आई वॉन्ट टू से पेपर नंबर 7, एंड एक तरफ हमारा दूसरी तरफ वेटेज है कॉस्टिंग, GST एंड इलेक्टिव। तो इतना ये पेपर वास्ट है डायरेक्ट टैक्सेशन का। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेशन की अगर मैं आपको बात करूं कि कितना इजी है, तो हाँ मैं बता दूं, इजी के टर्म्स में ये पेपर ज़्यादा इजी है और पेपरों से। अब मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले। तो पहले मैं बात करता हूँ एक्ट वर्सेज लॉ की, कि एक्ट क्या होता है और लॉ क्या होता है। आप अगर अपने मन के अंदर सोचें कि एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर, तो वो आपको सोचना चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि एक्ट हमेशा बड़ा होता है और एक्ट के अंदर लॉज आते हैं अलग अलग। कई बोल रहे होंगे लॉ के अंदर एक्ट आता है, तो योर आंसर शुड बी डिफरेंट और कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये होता है हमारा पूरा का पूरा लॉ। लॉ के अंदर हमारे आते हैं एक्ट, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, रूल्स एंड हमारे केस लॉ। तो ये हमारे लॉ के अंदर आते हैं। तो एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ। लॉ के कभी भी एक्ट के अंदर लॉ नहीं आता, हमेशा लॉ के अंदर एक्ट आता है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपको पता नहीं पता हो ना पता हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक सेक्शन 12.3.3.6। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ें, इसको आप क्या पढ़ेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि हम इसको जब पढ़ेंगे, आप अगर मान लो आपको फ़ोन पे बताना है क्या चीज़ है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे। तो लोग बोलते हैं इसको अगर हम पढ़ेंगे, तो हम बोलेंगे 12(3) छोटा वाला 3 III और फिर 6। नहीं, इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन, दिस इज़ योर सब सेक्शन, दिस इज़ योर क्लॉज (3) एंड दिस इज़ योर सब क्लॉज। ओके, नाउ माई क्वेश्चन इज वॉट यू रीड दिस 2 सबसेक्शन 14।
क्या इसे हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 पढ़ेंगे या इसे हम सेक्शन 2 क्लॉज 14 पढ़ेंगे, देयर इज अ डिफरेंस। अब ज़्यादा अगर बच्चे बोल रहे होंगे पक्का इसको तो सबसेक्शन 14 बोलेंगे, बिकॉज आपने ही तो बताया पहले सेक्शन आता है फिर सबसेक्शन आता है, तो आंसर इज नो, दिस इज योर क्लॉज। तो व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब सेक्शन के बाद क्लॉज आए या सेक्शन के बाद सब क्लॉज ये आए, तो इसमें डिफरेंस क्या है? अब ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि अरे 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 हमने लॉ वाले सर ने पढ़ाया था कि जो भी सेक्शन 2 के अंदर चीज़ आती है वो हमेशा डेफिनेशन बताती है और इसलिए हम उसे क्लॉजेस बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ डिफरेंस तो होता होगा, तभी तो क्लॉजेस बताते हो। तो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी कोई हम बात करते हैं सेक्शन की, जैसे मान लो मैंने बोला सेक्शन 12, तो इसके अंदर आता है सब सेक्शन, इसके अंदर 1, 2, 3 तीनों अलग अलग बातें करता है, लेकिन ये तीनों एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, वो है सेक्शन 12। सेक्शन 12 की बातों को बताता है, 1, 2, 3 1 में लिखा हुआ है मान लो उसकी डेफिनेशन, 2 में लिखा हुआ है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, 3 में उसकी एग्जेम्पशंस हैं, तो वो एक ही उस पर बात करता है टॉपिक पे, तो इसे हम बोलते हैं हमेशा सब सेक्शन। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 की, तो 2 के अंदर दे रखी हैं डेफिनेशंस, तो अगर मैं उसमें बात करूँ 1, 2, 3, 4, 5 तो उसमें अलग 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 है। 2 में किसी और की डेफिनेशन दे रखी है, 3 में किसी और की डेफिनेशन दे रखी है, 16 में अलग डेफिनेशन दे रखी है, 41 में अलग डेफिनेशन दे रखी है, 44 में अलग डेफिनेशन दे रखी है। दीज आर लिस्ट ऑफ आइटम, एंड लिस्ट ऑफ आइटम को हम हमेशा बोलते हैं क्लॉजेज। ओके, मतलब जब चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं तो वो सब सेक्शन में आती हैं, जब चीज़ें इंटरलिंक नहीं होती तो वो क्लॉजेज में आती है। ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। अब बात ये आती है कि ये क्लॉजेस कहाँ कहाँ हमारे टैक्सेशन में आने वाले हैं, कि सीधा सेक्शन के बाद आपका क्लॉज नंबर आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका आने वाला है सेक्शन 2 में, जहाँ पर आपकी डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 10 में, कम ऑन फ्रेंड्स, आपको पता होगा आपने एग्जेम्पशंस पढ़ी हैं, एग्जेम्पशन भी अलग अलग होती हैं, तो इसे हम हमेशा क्लॉजेस बोलते हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 एंड सेक्शन 47 में। तो ये हमारे तीन सेक्शंस हैं जहां पर हम सेक्शन के बाद सीधा क्लॉज की बात करते हैं, ना कि सब सेक्शन की। अब हम बात करते हैं केसेस की। अगर मान लीजिए कोई केस हुआ, मान लीजिए आश ए वी वर्सेस, ए वी मतलब मी वर्सेस सी आई टी C63, 263 CTR 29 BOM 20, तो ये क्या चीज़ है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं? देखिए किसी भी केस में जब वर्सेस से पहले जिसका नाम लिखा होता है इसका मतलब है जिसने केस किया। ओके, वर्सेस के बाद जिसका नाम लिखा होता है वो होता है डिफेंडेंट, जिसके खिलाफ केस है। 263 CTR 29 का मतलब है ये वो नंबर होता है जिसमें हम उस केस के रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। मतलब मान लो कि मेरे को इसका केस का रिकॉर्ड चाहिए, मैंने पुलिस वाले को बोला कि मेरे को चाहिए 263 CTR 29, तो वो ढूंढ के अपने लैपटॉप में बताएगा देखिए आपका ये जो नंबर है ये केस इस चीज़ के बारे में, तो उसके सामने पूरा सब कुछ आ जाएगा। ओके, BOM का मतलब क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट, यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट हो सकता है, दिल्ली हो सकता है या फिर कुछ और स्टेट हो सकता है। 2019 मतलब ऑब्वियसली ईयर ऑफ फाइलिंग, डन। तो सर हमें इनकम टैक्स के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अभी डायरेक्ट टैक्सेशन में? हाँ तो मैं बताता हूँ ना, आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट, पढ़ना पड़ेगा आपको 1961, आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स रूल्स, पढ़ने पड़ेंगे आपको 1962, और आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट 2020। अगर आप बैठ रहे हैं मई 2021 के पेपर में, सॉरी 2020 या फिर नवंबर 2021 के पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं, तो आपको फाइनेंस एक्ट 20 पढ़ना पड़ेगा। सर फाइनेंस एक्ट 19 किनको पढ़ना पड़ेगा, जिनका इस साल पेपर है। ओके, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा मैं आपको चलो कुछ और बता देता हूँ बातें। देखिए हमारा जब भी बिल पास होता है वो हमारा फर्स्ट फेब को पास होता है, फर्स्ट फेब को बिल पास होता है, बिल बिल बिल
इसका नाम होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल आती है जैसे निर्मला सीतारमण जी लाती हैं, फर्स्ट फेब को हमें बिल हम सुनते भी हैं, न्यूज़ चैनल पे आ रहा होता है, हर जगह दिखा रहे होते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, हम देखते हैं क्या क्या बिल में नई नई चीज़ें आई हैं। फिर ये पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में बोथ द हाउसेज से पास होकर प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है और उसके बाद हमारा ये एप्लीकेबल हो जाता है फ्रॉम 1 अप्रैल से। ओके ठीक है। लेकिन जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तब दो बार बिल आता है, एक तो 1 फेब को आता है, एक बाद में जुलाई में आता है, तो वो उसमें जून जुलाई में आता है, तो उसमें क्या होता है, पहले वाले को हम बोलते हैं इंटरिम, बाद वाले को बोलते हैं फाइनल। तो दैट इज़ नॉर्मल थिंग्स, आपको पता होंगी। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, अब हम आगे पढ़ेंगे, क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स।